वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश के सामने बजट पेश कर चुकी हैं। हर साल बजट में आम आदमी को जिन चीजों का सबसे ज्यादा इंतजार रहता है वो ये कि टैक्स में कोई राहत मिली है या नहीं। इस बार भी बजट से मिडिल क्लास को काफी सारी उम्मीदें हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं कि टैक्स स्लैब में अब की बार सरकार ने क्या कुछ बदलाव किए हैं। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में कहा कि टैक्स स्लैब में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किए गए हैं। बता दें कि 10,000 तक का 10 साल पुराना अगर कोई टैक्स आपका बकाया है तो उसे माफ कर दिया जाएगा, उस राशि को सरकार द्वारा माफ किया जाएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में भी कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं आयात शुल्क में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। बता दें कि 7 लाख तक की आय पर टैक्स नहीं लिया जाता रहा है और अब भी नहीं लिया जाएगा। वहीं इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया और आसान की गई है। रिफंड भी जल्द जारी किया जाएगा और जीएसटी संग्रह 2 गुना हो गया है। वहीं जीएसटी से अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को बदला गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि राजकोषीय घाटा 5.1% रहने का अनुमान है। वहीं 44.90 करोड़ रुपए का खर्च है और 30 लाख करोड़ का रेवेन्यू आने का अनुमान है। 10 साल में इनकम टैक्स कलेक्शन 3 गुना बढ़ गया है और टैक्स रेट में कटौती की गई है। आगे सीतारमण ने कहा कि 2025 से 26 तक घाटे को और कम करेंगे। इस पूरे बजट पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी के साथ।